नमस्ते, वेलकम बैक टू डीके कुकिंग्स। एक और मजेदार रेसिपी है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, अभी गैस चालू रखा है। इसमें तेल का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है तो ये मेरा रेसिपी मजेदार हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा मैंने ज्यादा तेल डाला है, करीब 3 टीस्पून है, और इसमें थोड़ा जीरा। जीरा चटकने लगता है ना, तभी हम ऐड करेंगे प्याज। ये देखिए, ये 2 बड़ा साइज का प्याज है, अनियन है। ये एकदम महीन कट करना चाहिए, मतलब एकदम छोटा छोटा पीस करके किया तो बहुत मजेदार हो जाता है। अभी इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन कलर आने का तक तेल में फ्राई करेंगे। अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, करीब 1 चम्मच डाला है। और इसके लिए ना मैंने 2 बड़ा टमाटर लिया है, वो भी एकदम फाइन चॉप करके रखा है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। अब तक मैंने इसका नाम ही नहीं बताया ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, बताऊंगी अभी। अभी इसमें ना नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार, सेहत अनुसार नमक डाल दीजिए। हल्दी पाउडर करीब 1/2 चम्मच डाला है। ये है कश्मीरी लाल और ये है थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए। तीखा वाला मिर्ची पाउडर डाला और धनिया पाउडर, धनिया जीरा दोनों भी भून के रखा था, वो पाउडर डाला। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और अभी थोड़ा पानी डालेंगे। करीब मैंने 450 ml पानी रखा था, अभी आधा इस्तेमाल किया, आधा हम बाद में डालेंगे। इसको अभी पकाने का, अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए अनियन और टमाटर। ढक्कन डाल के रखा है, करीब 3 मिनट के बाद क्या खुशबू आ रही बाबा। मैंने ओपन किया और थोड़ा सा इसको अभी हम यही स्पून से ना मैश करेंगे। आप चाहिए तो ये ठंडा करके पीस सकते हैं मिक्सर में डाल के, बट ऐसे मैश किया तो भी ना अच्छा ही है, कुछ टेस्ट तो चेंज नहीं होता है। ऐसे मैश करेंगे, पानी ऐड किया मैंने जो बचा हुआ, ये थोड़ा बाद में गाढ़ा हो जाता है। अभी इसको और 1-2-3 मिनट पकाएंगे। इसका तेल वगैरह अभी ऊपर आया, ये अच्छे से अच्छा पक गया। देखिए कलर भी एकदम लाल लाल, ये थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी होना चाहिए। अभी इसको धनिया पत्ता डालेंगे, भर के धनिया पत्ता डाल दीजिए, मेरा पास थोड़ा था तो मैंने पूरा डाल दिया। अभी गैस बंद किया। ये जो ग्रेवी है ना, सेव टमाटर का ग्रेवी है। अभी इसको हम गैस बंद करने के बाद ढक्कन डाल के बाजू में रखा है, और इसके साथ में एक ज्वार का रोटी बनाया, डिब्बा में डाल के रखा है। इसको अभी थोड़ा सेकेंगे, गैस के ऊपर तवा रखा और इसको फटाफट करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ज्वार का रोटी का, और आप देख लीजिए वहां से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 तरीके का सेव रखा है, ये थोड़ा कड़क सेव है और एक सॉफ्ट वाला। आपके पास जो भी सेव रहता है वो इसमें आप यूज कर सकते हैं, जाड़ा वाला सेव रहता है ना वो वाला। अभी ये खड़क है तो ये डाल के ना थोड़ा रख सकते हैं, बट वो जो दूसरा वाला सेव रखा है ना मैंने, उसको रत्नम सेव करके बोलता है, वो जल्दी से नरम हो जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है ग्रेवी में। रतलम सेव डाल के टेस्टी हो जाता है, बट ये सेव है ना सॉफ्ट रहता है। कैसे लगा वीडियो? ये देखिए, परफेक्ट मील है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।